स्वागत है। बारिश का मौसम है और जब बारिश शुरू हो जाती है तो सभी की डिमांड आती है, एक ही डिमांड, पकोड़ों की। तो आज हम बनाते हैं प्याज के पकोड़े। वैसे तो सभी के घर में पकोड़े अपने अपने स्टाइल से सभी लोग बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी शिकायत ये रह जाती है कि मार्केट जैसे पकोड़े नहीं बन पाते हैं। तो आज हम मार्केट की तरह जैसे मार्केट में बनते हैं उसी तरीके से उसी स्टाइल में प्याज के पकौड़े बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने ली है सबसे पहले ये प्याज, ये 200 ग्राम प्याज है और इसको हमने छिलका उतार लिया है इसका और अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसको हम अच्छे से धोने के बाद आधे आधे पीस में काटेंगे और जो इसका ऊपर का ये हिस्सा होता है उसको निकाल लेंगे। और सिंपल जैसे हम प्याज काटते हैं इस तरीके से हम पतला पतला प्याज को काट लेंगे। सारी प्याज हम इसी तरीके से काट लेंगे और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो हम बिल्कुल हटा देंगे। अब ये सारी प्याज को हमने काट लिया है। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। ये आधा टीस्पून हम इसमें नमक मिला देंगे और इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से इसलिए मिक्स करेंगे ताकि जो हमने ये प्याज कट करी है इनका एक एक ये जो परत है वो अलग हो जाए। इस तरीके से हमें इसे मिलाते हुए और ये सारी परत अलग कर लेनी है। और दूसरी चीज़ ये कि प्याज नमक में मिलते ही पानी छोड़ेगी तो वो बिल्कुल बढ़िया, उसी से पकौड़े बिल्कुल बढ़िया बनते हैं। ये ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं, तो इन्हीं को आप फॉलो करें और इसी से बढ़िया पकोड़े बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल कुरकुरे। तो ये हमने प्याज को बिल्कुल अलग कर लिया है। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। पकोड़ों के साथ ही हमने एक हरी चटनी की प्रिपरेशन करी है और ये हमने उसका सामान लिया है। तो हमने लिया है यहाँ पे 50 ग्राम पुदीना। आप इसमें पुदीना और धनिया दोनों मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर पुदीने की चटनी बना रही हूँ। तो इसे हमने साफ करके 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। तो ये हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और इसके लिए ली है मैंने एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, इसको डाल देते हैं। 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 4 से 5 हरी मिर्च, बाकी आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। और मिर्च भी कभी बहुत ज़्यादा तीखी आ जाती है और कभी बहुत हल्की तीखी होती है, तो उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। और हम इसमें खटास के लिए डाल रहे हैं ये इमली का पल्प, ये 1 बड़ा चम्मच है। 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प था जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया था। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो हमारी एक बढ़िया सी चटनी पकौड़ों के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। ये पुदीने की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसमें जो हमने इमली का पल्प डाला है, अगर आपके पास इमली या इमली का पल्प नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, या जितनी आप खटास खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट करके अमचूर पाउडर को डाल सकते हैं। अब हमने जो ये प्याज रखी थी इन्हें हमने 10 मिनट के लिए रखा
और अब हमने इसमें डालना है मसाला। तो अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटी हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से ये थोड़ा सा कम है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ये दरदरा पिसा धनिया, और ये है अजवाइन 1 टीस्पून। इसको हम इस तरीके से डालेंगे मैश करके, तो इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। और ये है 1/4 टीस्पून जीरा, और इसी में हमने थोड़ी सी हींग डाल दी है। और ये है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, और नहीं तो देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा तीखा नहीं होती है मिर्च, कलर होता है तो उससे अच्छा रहता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इन सारे मसालों को इस प्याज में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से हमने प्याज में मसालों को मिक्स कर लिया है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम प्याज के छिलके उतारते हैं और जब प्याज को वॉश करते हैं तो उसमें पानी होता है, तो उसको आप अच्छे से कपड़े से या तो पोंछ लें, प्याज को सुखा लें, प्याज सूखी होनी चाहिए जब हम नमक मिलाएं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और जो नमक पानी छोड़ेगा उसको अलग से कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेन भी नहीं करना, निकालना भी नहीं है, उसी के साथ हमें ये मसाले मिक्स करने हैं। अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे, तो बेसन को हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, और इन पकौड़ों को बनाने के लिए हमें पानी में बेसन को बिल्कुल भी नहीं घोलना है, ना ही कोई बेसन का घोल तैयार करना है। यही छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। ये हमने 1 कप बेसन लिया था, और इस तरीके से हम इस बेसन को इसमें मिक्स करेंगे, और ये प्याज बिल्कुल सूखा सूखा ऊपर से हो जाना चाहिए, इस तरीके से हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं चाहिए, हल्का सा मॉइस्चर और बाकी प्याज सूखा सूखा सा, इस तरीके का करना है हमें। और पानी की को बिल्कुल हमें बिल्कुल छूना भी नहीं है, पानी का इसमें कोई भी काम नहीं है कहीं से कहीं तक। और जितना बेसन था हमने सारा डाल दिया है इसमें, और तेल हमने गरम होने रख दिया है। अब हम पकौड़े बनाएंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, और फुल फ्लेम पे हमने इस तेल को गरम किया है, और अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है जब हमें पकोड़े डालने हैं। तो इस तरीके से हम पकोड़े डालेंगे और सिम आँच पे ही इन्हें सेकेंगे। अब हमें सिम आँच पे ही इन्हें हल्का ब्राउन होने तक सेकना है। जब हमने इन पकौड़ों को डाला था तब आँच को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया था, और अब हम स्लो टू मीडियम पे इनको सेकेंगे। ये प्याज के पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार है, और इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे, और बाकी सारे प्याज के पकौड़ों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म कुरकुरे प्याज के पकौड़े बनकर तैयार है। तो इस बारिश में इन्हें बनाएं और गर्मा गर्म चाय के साथ इन्हें एंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।